नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है ये हुंडई वेन्यू SX पेट्रोल वेरिएंट है। चलिए बात करेंगे इस गाड़ी के विषय में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो के आनंद लें। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के विषय में। ये एक्चुअल में गाड़ी SX मैंने आपको बता ही दिया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट की तरफ से। असल में क्या है ना, हुंडई चेंजेस बहुत अच्छे अच्छे करती आ रही है अपनी गाड़ी के अंदर, सेफ्टी नॉर्म्स को फीचर्स को बढ़ा रही है। उसके साथ साथ देखते हैं तो लुकिंग्स पे तो ऑलरेडी काम अच्छा कर ही रही है ये, और इंजन की बात करते हैं तो इंजन ऑलरेडी इनके बहुत अच्छे खासे ड्यूरेबल हैं। लेकिन उससे पहले मैं गाड़ी की चाबी आपको दिखाना चाहूँगा। ये गाड़ी के अंदर हमें की देखने को मिलती है, इसके अंदर दोनों की हमें एकदम स्मार्ट की देखने को मिल रही है। इसमें होल्ड करने पर पीछे का बूट ओपन अनलॉक हो जाता है, लॉक और अनलॉक ये इसमें हमें दो पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आते हैं हम गाड़ी की ग्रिल की तरफ। जब हम गाड़ी की ग्रिल पे आते हैं तो यहाँ देखिएगा, हमें ये डल मेटल हमें देखने को मिल जाता है। ये है क्रोम, बट एकदम चमकदार ना होकर के ये कुछ डल ब्लैक देखने को मिल जाता है। बीच में हमें प्यारा सा सुंदर सा हुंडई का लोगो। नीचे की तरफ इसमें ये देखिएगा आप, कितनी बेहतरीन तरीके से एक ग्रिल देखने को इसमें हमें मिल जाती है। ये कुछ गाड़ी की लुकिंग्स। अगर हम इसके टोइंग हुक की बात करते हैं तो इस जगह पे इसका टोइंग हुक की जगह दे रखी है। जब मैं गाड़ी की लाइट की तरफ आता हूँ तो ये देखिए गाड़ी का लाइट का सेटअप, इस जगह पे हमें गाड़ी का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये कुछ एसेंस दे रखे हैं इसके अंदर क्रोम के साथ। ये पार्किंग लाइट हमें देखने को मिल जाती है। इस जगह पर लाइट की जब हम बात करते हैं तो लाइट इसके अंदर हमें हैलोजन देखने को मिल जाती है, बट एक इसमें पॉइंट हमें प्रोजेक्टर टाइप में देखने को मिल जाता है। ये इसमें देखिए बिल्कुल चौकोर इसका डे टाइम रनिंग लाइट दिया गया है। ब्लैक कलर का जो इसके अंदर ट्रीटमेंट है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है देखने में। तो ये गाड़ी की आगे से लुकिंग समय देखने को मिल जाती हैं। ये गाड़ी की इस साइड में को पैसेंजर की तरफ अगर चलता हूँ तो यहाँ पे जो इसका ORBM दिया हुआ है, इसके ORBM पे हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। छत पे देखते हैं तो इसमें रूफ रेल, और इसके जो सनरूफ की बात करते हैं वो हम अंदर चल के करते हैं, गाड़ी के अंदर सनरूफ भी दिया गया है। ABC पिलर की बात करता हूँ तो ये मैट ब्लैक के साथ साथ जो ए पिलर है इस पर पियानो फिनिशिंग दी गई है। जब हम टायर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो ये गाड़ी के टायर्स हैं 195/65R15 इसके अंदर दिया गया है। ये स्टील रिम के साथ हैं लेकिन व्हील कवर इसके साथ दिया जाता है। अपोलो के इसमें टायर्स लगे हैं। ब्लैक कलर की क्लाइडिंग की बात करता हूँ तो ये गाड़ी के चारों तरफ रोल ओवर करती हुई चलती है। इस जगह पे हमें इसका फ्यूल टैंक का लिड देखने को मिल जाती है। तो फ्यूल टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर 45 लीटर का टैंक कैपेसिटी दी जाती है। ये कुछ गाड़ी की पीछे से लुकिंग्स हैं। ये देखिएगा लाइट, हाँ पीछे थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस वजह से लाइट्स दिखाने में थोड़ा सा मेरे को परेशानी हो रही है। SX की बैजिंग हमें देखने को मिल जाती है, और साथ में ये देखिएगा जो लाइट है ना, इसकी इस कोने से लेकर के उस कोने तक पूरी की पूरी रेड ये हमें देखने को इसमें मिल जाती है। बीच में हमें हुंडई का लोगो और वेन्यू की इसमें ब्रांडिंग देखने को इस जगह पर मिल जाती है। नीचे की तरफ जब हम आते हैं उतर करके तो यहाँ पर हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। एक कैमरे के साथ साथ चार रिवर्स पार्किंग सेंसर, बैक गियर की लाइट, साथ साथ रिफ्लेक्टर इस जगह पर हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखते हैं हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना, उसके साथ रियर डिफोगर भी इसमें दिए हुए हैं। चलिए खोलते हैं इसका बूट, और बूट खोलने के बाद देखते हैं अंदर की स्थिति। पार्शल ट्रे के साथ ये आता है। नीचे स्पेस थोड़ा सा डीप दिया हुआ है, एक्चुअल में स्पेस की इसमें कोई भी कमी नहीं है। जब मैं इसके बूट की कैपेसिटी की बात करता हूँ तो इसमें 350 लीटर का इसमें हमें बूट देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ थोड़ा सा अंधेरे की वजह से मुझे इसमें विजिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए मे बी शायद स्टील रिम है तो शायद सेम ही होगा। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, पीछे देखते हैं तो इसमें हमें एक लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ गाड़ी की प्यारी सी लुकिंग समय देखने को मिलती हैं। चलिए चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ, और अंदर चलने से पहले एक चीज़ और, गाड़ी को हमेशा शुरू से आगे से देखते हैं, लेकिन इस गाड़ी में सबसे पहले पीछे कंफर्ट को हम देखना चाहेंगे। जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें इसका स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, बोतल रखने की जगह मिल जाती है। ये देखिएगा डुअल कलर के अंदर गाड़ी है। यहाँ पे हमें बेस कलर बोल सकते हैं इसको, क्रीम कलर बोल सकते हैं इसको, कुछ इस तरह का इसमें ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। ये डोर खोलने की हैंडल दिए हुए हैं, पावर विंडोज़ का बटन, सीट्स देखिएगा आप कितनी बेहतरीन तरीके से सिटिंग कंफर्ट इसके अंदर दिया हुआ है। ये चाइल्ड एंकर के लिए इस जगह पर पॉइंट दिया हुआ है। फैब्रिक सीट्स हैं, सीट्स बड़ी प्यारी लग रही हैं। चलिए बैठ के देखता हूँ अंदर। अंदर बैठने पर देखते हैं तो कम्फर्टेबल तो सीट्स इसकी हैं, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी इसका अच्छा। एक्चुअल में क्या है ना, सीट इसकी पीछे की तरफ और बैक भी हो जाती हैं। यहाँ देखते हो तो AC का वेंट हमें देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ देखते हो सीट टाइप दो पोर्ट भी इसमें दिए गए हैं। तो आजकल की कंपनियाँ इन सब चीज़ों पे तो बड़ा विशेष ध्यान दे रही हैं, क्योंकि मालूम है कि मोस्टली लोग मोबाइल का यूज़ आजकल करने लगे हैं। ये देखिएगा पीछे से गाड़ी की लुकिंग्स। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ कि आगे क्या क्या सुविधाएँ
कंपनी के द्वारा इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ और आगे चल के बात करते हैं गाड़ी के बारे में आपसे। छत की बात करता हूँ तो इसमें सिल्वर कलर की हमें रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती हैं। देखिएगा आप ये गाड़ी की प्यारी सी लुकिंग्स, मस्त एकदम। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर चल के करते हैं आपसे बात। ORVM की बात करता हूँ, रिट्रैक्टेबल दिए हुए हैं इसके अंदर। ये गाड़ी का विंडो डुअल टच के साथ, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल। ये देखिएगा अंदर से, वैसे तो लॉक अनलॉक करने पे अपने आप बंद और खुल जाते हैं ये। इनको सेट करने के लिए सारा का सारा इसी जगह पे पूरा सेटअप दिया गया है। ऊपर हमें एक ट्विटर देखने को मिल जाता है, नीचे स्पीकर की ग्रिल। ये गाड़ी की कुछ अंदर से लुकिंग। सीट्स की बात करता हूँ तो इसकी हाइट एडजस्ट के साथ सीट दी गई है। रिक्लाइन एंगल तो मोस्टली सभी गाड़ी में हो जाता है। ये देखिएगा ग्रिपिंग, देखिएगा ग्रिपिंग इसके अंदर कितनी बेहतरीन तरीके से दी गई है। ये गाड़ी का कुछ हमें इस तरह से कुछ लुकिंग्स बाहर से खड़े होकर देखते हैं तो इस तरह से मिल जाती है। यहाँ आते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके साथ साथ आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है। ये देखिए गाड़ी का जादू का बटन, इसको दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठ के करते हैं इस गाड़ी के विषय में आपसे कुछ और बातें। ये देखिएगा ये गाड़ी की कुछ स्मार्ट सी लुकिंग्स। स्टेयरिंग की बात करता हूँ तो गाड़ी के अंदर डी कट बॉटम स्टेयरिंग दिया गया है। यहाँ पर हमें टेलीफोनिक स्विच मिल जाते हैं। गाड़ी में भी शायद क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया गया है। ये कुछ गाड़ी की लुकिंग से चलिए देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की असेंबली। ये देखिएगा ये कितनी कलरफुल सी इसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें फ्यूल गेज के साथ इंजन का टेम्परेचर और पूरा का पूरा डिजिटल कुल मिलाकर के ये इसमें दिया गया है। इसमें गाड़ी की मोस्टली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह से दे रखा है। एसी के वेंट की बात करते हैं तो देखिए प्रीमियम से एसी के वेंट इसके अंदर दिए गए हैं। इसकी डिस्प्ले की बात करता हूँ तो बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन सी इसके अंदर डिस्प्ले दे रखी है। इसका टच का रेस्पॉन्स, अभी मैंने कुछ टाइम पहले क्रेटा देखी थी, क्रेटा से मुझे इसका टच का रेस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये देखिएगा आप, ये इसके अंदर नॉब्स दिए हुए हैं। यहाँ से पूरा का पूरा सेटअप करने का सिस्टम को बटन्स दे रखे हैं। टच के साथ साथ जहाँ बटन आ जाते हैं ना तो वहाँ को गाड़ी को हाईवे पे जब चलते हैं ना लेकर के तो मैनेज करने में स्टीरियो सिस्टम को परेशानियाँ नहीं आती हैं। एसी के कंट्रोल्स हमें नीचे देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है। नीचे कुछ स्पेस देखने को मिलता है और स्पेस के साथ साथ यहाँ देखते हैं तो वायरलेस चार्जिंग का जगह भी इस जगह पर हमें देखने को मिल जाती है। साथ साथ USB पोर्ट, सी टाइप का चार्जिंग का पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, कई सारी चीज़ें मतलब इसमें दी हुई हैं। यहाँ पर हमें 5 गियर मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। 5+1 का गियर बॉक्स है इसमें। यहाँ देखिए स्पेस, इस जगह स्पेस मैनेजमेंट कुल मिला करके इस गाड़ी में अच्छा खासा किया गया है। आर्मरेस्ट पे भी हम देखते हैं तो यहाँ भी हमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। सॉफ्ट टच के साथ ये कुल मिला के नहीं है, ये स्पेस मैनेजमेंट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी हमें इस जगह पर फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस कुछ दिया हुआ है। नीचे की तरफ जाता हूँ, कोल्डेड इसमें ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। ये कुछ गाड़ी की फिनिशिंग हमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें एयरबैग की अगर हम बात करते हैं, चलिए अभी देख लेता हूँ कि कितने इसमें एयरबैग दिए गए हैं। दो तो मुझे फ्रंट पे नज़र आ ही रहे हैं। जब मैं एयरबैग की इसमें बात करता हूँ तो इस गाड़ी के अंदर 4 एयरबैग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ गाड़ी की अंदर से लुकिंग्स प्यारी सी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब आते हैं हम इसके IRVM पे, तो ये हमें मिलता तो नॉर्मल है लेकिन इसमें SOS और कई सारी चीज़ें साथ में दी हुई हैं। यहाँ जाते हैं तो इसमें टिकट होल्डर के साथ सनशर्ट दिया गया है। को पैसेंजर की तरफ वैनिटी मिरर है। ऊपर की तरफ माइक देखने को मिल जाता है, इसमें किसी तरह का कोई ग्लास होल्डर नहीं दे रखा है। रूफ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। छत पे देखते हैं तो इस जगह पे लाइट दे रखी है। अच्छा एक चीज देखिएगा, इस गाड़ी में का जो ऊपर की तरफ पीछे जो सनरूफ वाला पोर्शन है ना, सनरूफ सेट करने के चक्कर में ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे, और इधर देखते हैं तो हेडरूम बढ़ाने के लिए वो ऊपर की थोड़ा सा इस जगह पे किया हुआ है। ये देखिएगा अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो चलिए खोल के देखते हैं इसका सनरूफ। ये देखिएगा ये सनरूफ इसका वन टच पे पूरा खुल रहा है। इसका सनरूफ सफिशियंट ठीक ठाक साइज़ का इसके अंदर दिया हुआ है। देखूँ जरा सिंगल टच करने पे और थोड़ा पीछे हो जाता है। ये इसका ब्लाइंड दे रखा है। चलिए इसको करते हैं हम बंद, और बंद करने के बाद ये देखिएगा स्पीड भी इसकी ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो ब्लाइंड है ये हमें हाथ से ही बंद करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह का इसके अंदर सेटअप प्यारा सा दिया हुआ है। चलिए चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, फिर करते हैं बात। लेकिन आप लोगों से एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को भरपूर आनंद लें। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के आगे बोनट की तरफ। इसको करता हूं मैं बंद, अब चलते हैं हम गाड़ी के इंजन की तरफ। बोनट खोलने के बाद जब हम गाड़ी के इंजन की तरफ आते हैं तो इसमें सबसे ऊपर हमें जो नज़र आता है इसका, देखिए किसी भी तरह का कोई भी इसमें इंसुलेशन पैडिंग नहीं दे रखी है क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑलरेडी बहुत रिफाइंड है। लेकिन रिफाइनमेंट अपनी जगह पर, इससे क्या है ना थोड़ा सा लुकिंग आ जाती है बोनट वगैरह खोलने पर। अगर इंसुलेशन थोड़ा सा होता तो शायद ज़्यादा बेहतर ये देखने को हमें मिल जाता। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर का इंजन दिया जाता है और ये 1197 CC 1.2 कापा इंजन है।
जब इसके पावर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसमें 82 BHP और 114 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। फाइनली जब एवरेज की मैं इसकी बात करता हूँ तो गाड़ी 17.5 KMPL का कंपनी के द्वारा इसका एवरेज दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना तो गाड़ी का एवरेज बड़ा सटीक सा ठीक ठाक सा दिया गया है और फिर अपने चलाने के ऊपर होता है। चलिए इस बोनट को करते हैं बंद, उसके बाद करते हैं हम गाड़ी के प्राइस की बात, और प्राइस के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स तो मैंने आपके इसको बता ही दिए। चलिए अब बात हम फाइनली करते हैं गाड़ी के प्राइस की बात। जब मैं गाड़ी के प्राइस की बात करता हूँ तो ये SX जो वेरियंट है इसका वेन्यू का, ये ऑन रोड हमें मिलता है आगरा के अंदर 12,85,000 का, और जैसे एक्सशोरूम की बात करता हूँ तो लगभग 11 लाख के आसपास ये एक्सशोरूम हमें देखने को मिल जाता है। और इसके मैं डायमेंशंस की जब बात करता हूँ तो गाड़ी की जो लेंथ ओवरऑल दी हुई है ये 3995 mm, गाड़ी की चौड़ाई 1770 mm, गाड़ी की हाइट की जब हम बात करते हैं तो ये 1670 mm दी जाती है। और साथ साथ इसका जो हम व्हील बेस की बात करते हैं तो व्हील बेस इसमें हमें 2500 mm का देखने को मिल जाता है। जब हम ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ आते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस का 190 mm का दिया जाता है। तो ये कुछ गाड़ी की प्यारी सी सुंदर सी लुकिंग्स आती हैं और गाड़ी एक्चुअल में बहुत बेहतरीन है। आप आइए शोरूम पे विजिट करिए, शोरूम का नाम कल्याण हुंडई है आगरा सब्जी मंडी के पास सिकंदरा पे, और गाड़ी को देखने के बाद इसका टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर डिसीजन लें कि हम लोगों को गाड़ियाँ, क्योंकि असल में क्या है ना, गाड़ियाँ दिल का अटैचमेंट होती हैं, आदमी लेता है फैमिली के लिए परिवार के लिए, उन सब चीज़ों को देखते हुए गाड़ी खरीदने से पहले थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। तो आप लोग आएँ कल्याण हुंडई पे, इनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इनसे संपर्क करें, इनसे बात करें, और हुंडई से संबंधित किसी भी गाड़ी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।